गर्मियों के आते ही एक पौधा जो अक्सर सूख जाता है वो है स्पाइडर प्लांट। अगर इसके टिप्स एजेस ब्राउन हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो इसके तीन कारण हो सकते हैं। या तो ये तेज़ धूप में है, या पानी की कमी है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी चार बातें शेयर करने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपके स्पाइडर प्लांट को बचाने में बल्कि उसको बेहतर उगने में भी मदद करेंगी। सबसे पहले धूप की बात करते हैं। इस पौधे को रोशनी पसंद है, लेकिन धूप, और वो भी गर्मियों की तेज़ धूप, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ रोशनी आती हो, लेकिन डायरेक्ट धूप या डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। इन्हें ग्लास विंडो के पास भी नहीं रखना चाहिए, स्पेशली अगर दोपहर में आपका घर खाली रहता है बिना एयर सर्कुलेशन के। दूसरा और इक्वली इम्पॉर्टेंट है पानी। पौधों को सुबह पानी देने की कोशिश करें, इससे पौधे दोपहर की गर्मी भी झेल जाते हैं। आप जब भी पानी डालें तो अच्छी तरह से पानी डालें, इस तरह कि हमेशा पानी नीचे से निकलना चाहिए, टपकना चाहिए। बेसिकली हम इससे इंश्योर कर रहे हैं कि सारी जड़ों को पानी पहुंच रहा है। स्पाइडर प्लांट को मिट्टी में नमी पसंद है, तो यदि आप रेगुलर सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप मॉस से कवर कर सकते हो, या फिर आप इसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ इवेपोरेशन को स्लो करने में मदद करती हैं और नमी को बनाए रखती हैं। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर। स्पाइडर प्लांट के लिए आइडियल टेम्परेचर तो है कुछ 20 to 30 degrees, लेकिन गर्मियों में दिल्ली और चेन्नई जैसी जगहों में जब टेम्परेचर 40 भी क्रॉस कर जाता है, तो आप कोशिश कीजिए इसको अच्छी एयर सर्कुलेशन वाली जगह में रखने के लिए। अगर आप घर पे एसी यूज़ करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि रात को तो काफ़ी ठंडा हो जाता है एसी की वजह से, पर दिन भर अगर घर बंद रहता है तो काफ़ी गर्म हो जाता है। ये डेली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से भी कई बार ही पौधा मरने लगता है। तो ऐसे केस में इंश्योर कीजिए कि आप पौधे को अच्छी एयर सर्कुलेशन वाली जगह पर रख रहे हैं जहाँ टेम्परेचर स्टेबल रहता हो। समर्स में अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे छोटे पप्स दिखने लगते हैं स्पाइडर प्लांट पे। ये एक्चुअली फेब्रवरी और मार्च के महीने में शुरू होते हैं आने, और कभी कभी ये फ्लावर भी करते हैं। इनको सूखने से बचाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इनको प्रोपोगेट कर दीजिए, यानी कि उनको अलग कीजिए और कुछ दिन पानी में रख दीजिए। एक वीक में और सो इनमें रूट्स आ जाएंगी, जैसे मनी प्लांट में आ जाती हैं, और फिर आप इसको मिट्टी में दबा सकते हैं एक नए पॉट में। दूसरा तरीका है कि आप इन पप्स को पानी दीजिए। तो इस पौधे के पप्स को मैं हर रोज़ एक बारी अच्छे से वाटर स्प्रे करती हूँ। बेशक मैं मिट्टी में डेली पानी ना डालूं, लेकिन इसके पप्स को नमी के लिए मैं हर दिन एक बार स्प्रे करती हूं पानी का। लास्टली मैं कहूंगी, अगर ये सब करने के बावजूद भी आपका पौधा मर रहा है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। समहाउ बस इसको ये 2 महीने सर्वाइव करवा लीजिए। जब जुलाई में बारिश होनी शुरू होती है तो स्पाइडर प्लांट अपने आप बेहतर होने लगेगा। ऐसी और भी सिंपल प्लांट वीडियोस के लिए गार्डन अप को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इन पौधों की और जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल है gardenup.in। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।